अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का बीते दिन न्यूयॉर्क शहर में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महाराष्ट्र में बारिश के कारण एनडीआरएफ की कुल 14 टीमें और 6 एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। बता दें कि 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 99 पहुंच गई है। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण वर्धा नदी उफान पर है। इस कारण महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ने वाली सड़क जलमग्न हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 47 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए भारत सरकार ने सभी वयस्कों को एहतियाती खुराक यानी कि बूस्टर डोज फ्री में देने का फैसला किया है। आज से 75 दिनों तक देश के सभी वयस्क मुफ्त कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। सोफी टर्नर और जो जोनास ने अपने दूसरे बच्चे एक बच्ची का एक साथ स्वागत किया। दोनों सितारों के प्रतिनिधियों ने लोगों को खबर की पुष्टि की। दिल्ली में कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में एक रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना सामने आई है। फिलहाल 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, जिन्होंने टाइम पर आग पर काबू पा लिया है। श्रीलंका के संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धन ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।